नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है टिल्लू से रिलेटेड। दरअसल एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें चार हमलावर बुरी तरह से टिल्लू को मार रहे हैं, और ये खबर हमने वेबसाइट पर भी पब्लिश किए। प्रवेश आप बिल्कुल, और ये वीडियो देखने के लिए आपको खबर के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर हम वो लिंक डाल देंगे क्राइम तक वेबसाइट का। आप वहाँ जाके पूरी खबर डिटेल में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो कि कैसे तिहाड़ में दिन दहाड़े मतलब 6 बजे सुबह सुबह चार लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप करते हैं, और बैरक खुला होता है क्योंकि उस टाइम लोगों को बैरक खोल दिया जाता है कि जो कैदी हैं वो बाहर जा सके, वॉशरूम यूज़ कर सके, बहुत सारी जो काम है मॉर्निंग में वो कर सके। उस समय में घुस के बैरक से निकाल कर इतनी बेरहमी से, मतलब कम से कम 100 से ज़्यादा बार वीडियो में देखेंगे, 100 से ज़्यादा बार इतनी, मतलब जो बनाया हुआ इम्प्रोवाइज चाकू, मतलब धार देकर जेल में चम्मच या किसी और हथियार से चाकू बनाया गया, उससे मारते रहते कोई नहीं आता। जेल के चार कैदी आते हैं बीच में इंटरफेयर करने, पर वो भी पीछे हट जाते हैं। ये जो पूरा वीडियो है करीब करीब 1.5 से 2 मिनट का है। इसमें सबसे पहले जो आरोपी नज़र आ रहे हैं एक एक कर फर्स्ट फ्लोर से चादर के ज़रिए नीचे कूद रहे हैं, और वो आकर सबसे पहले जैसे ही उनको जो आरोपी है यानी टिल्लू देखता है वो डर के मारे अपने बैरक में भाग जाता है। बैरक का दरवाज़ा वो बंद नहीं कर पाता, अगर वो लॉक कर देता तो वो खोल नहीं पाते। उसने बंद नहीं कर पाया। वो जो तीन चार थे जो चादर के ज़रिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कूदे थे वो खोलने की कोशिश करते हैं गेट को, और वो सफल हो जाते हैं। उसके बाद वो टिल्लू को बाहर निकालते हैं। उसके बाद 3 से 4 लोग उसको ताबड़तोड़ जो है वो इम्प्रोवाइज जो उनका चाकू ही कह सकते हैं उसको, उससे वो मारते हैं। चार लोग इसमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो एक बुज़ुर्ग भी हैं, वो भी कैदी है, जो ग्राउंड फ्लोर पर थे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर ही टिल्लू लॉज था बैरक में। वो बचाने के लिए आते हैं लेकिन चूंकि उनके पास हथियार है तो वो कुछ नहीं कर पाते, और लेकिन वो कुछ ऐसा लग रहा है सीसीटीवी में जो वो बातचीत कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं ऐसा करने से लेकिन वो नहीं मान रहे। 3 से 4 लोग, तीन तो हैं ही जो लगातार हमला करे जा रहे हैं टिल्लू के ऊपर, और बेरहमी से करीब करीब 100 तो वो हम गिन नहीं पाए क्योंकि बहुत तेजी से मार रहे हैं, और मतलब ऐसे ऐसे मारते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और चिराग जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए 2-3 मिनट तक कोई भी बैरक में नहीं आया, मतलब बैरक के बाहर कोई पुलिस, एक पुलिस वाला नहीं था, क्योंकि इतना शोर शराबा, इतनी सारी चीज़ें, इतने लोग कूद गए, बहुत सारी हलचल हो रही थी, लेकिन 30 सेकेंड, 1 मिनट, क्योंकि पुलिस या तो 5 मिनट की हद से दूर थी, बहुत बाहर थी बैरक के, बाहर जो गेट था उसके भी बाहर थी, कोई नहीं था। जो एक एक मेन ये बैरक है एक पूरा, आपने अगर हमने एक खबर जो चलाई थी उसमें एक बैरक नंबर 9, 10, 11 तो उसके बाहर एक मेन गेट होता है, वो मेन गेट के बाहर हमेशा एक पुलिस वाला बैठा होता है। हम जो मतलब सवाल ये उठता है कि जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ बैरक के पास, वहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं, बिल्कुल पहली बात, एक भी सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, और सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती रहती है, तो सीसीटीवी पे कोई मॉनिटर भी नहीं कर रहा था। बहुत सारी मतलब गमियां गिननी जाए तो ऐसे तुरंत नहीं, तुरंत निकले, तुरंत फेंक दिया, इन्होंने चद्दर फेंका, चद्दर से उतर रहे हैं, फिर अपने बैरक से बाहर निकले, टाइमिंग तो सबका होता है, तो कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, मतलब सुबह के टाइम सब सो रहे थे आराम से, चैन के नहीं थे, अरे क्या है क्या। आप सोचिए कि इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आना कितना आसान हो गया। अब सबसे बड़ी बात चिराग जी, ये तो है इजी, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वीडियो अब क्यों रिलीज़ किया गया है, मतलब जिस प्रोसेस से भी आए, क्या पुलिस वाला अपना, पुलिस वाले जो जेल वाले अपना हाथ साफ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर से कोई कूद के कैसे मार सकता है। नहीं नहीं, ये पुलिस की निगली भगत है। नहीं नहीं, इसमें ये कोई प्रशासन नहीं चाहता कि इस तरह की वीडियो बाहर आए। अगर इस तरह की वीडियो बाहर आती है तो नेचुरली सिक्योरिटी कंसर्न होता है, और सुरक्षा सवाल किससे होंगे, तिहाड़ जेल प्रशासन से, तो वहाँ से ये वीडियो कैसे सीसीटीवी बाहर आई, ये अपने आप में अभी ऑब्वियसली तफ्तीश की बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वीडियो है जो देखकर, जिसमें क्लियर एक तरह से लाइव मर्डर इसको कह सकते हैं, लाइव मर्डर है, कई मतलब लगातार वो जो आरोपी हों मारते चले गए। सवाल ये कि अंदर कोई नहीं था, सवाल ये कि बाहर कोई नहीं था, सवाल ये कि देश का सबसे सिक्योर, हाईटेक और सिक्योर जेल कहा जाता है जिसमें बड़े बड़े अपराध, तो ऐसा लग रहा है इसको देखकर, ऐसा लग रहा है कि कोई हाईटेक नहीं है, कोई अंदर सिक्योरिटी के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है, अंदर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, तिहाड़ का कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो बैरक जो है वो बदमाश चला रहे हैं, वो बैरक पर बदमाशों का राज है। मैंने इस पर देखा एक मीम भी बन रहा था कि अब अपराधी जो है वो बोल रहे कि हम सरेंडर क्यों करें, हम सरेंडर कर देंगे तो जेल में भी हमें मरना है, तो हम बाहर लड़के मरेंगे। मतलब यही बात है कि अब कोई सरेंडर भी क्यों करना चाहेगा चिराग जी, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर जेल में भी उसके ऐसा लग रहा है इस वीडियो को देखकर कि अंदर क्या तिहाड़ के कर्मी वहाँ पर नहीं है, क्या वो पूरा जो एरिया है
वो बदमाशों ने कैप्चर कर रखा था या उसको एक तरह से हाईजैक कर रखा था उस जगह को कि कोई आ ही नहीं रहा है। आप सोचिए सीसीटीवी, प्रवेश ने बड़ी अच्छी बात बोली, मॉनिटरिंग होती रहती है, तो 6 बजे क्या सारे ऑफिसर सो रहे थे? और ये तब हाल है जब तिहाड़ में 5 बजे कैदियों को उठा दिया जाता है। बिल्कुल, उनका ये एक रूटीन है, शेड्यूल है, कैदियों को उठा दिया जाता है लेकिन ऑफिसर सब सोए रहते हैं, जो सुपरिटेंडेंट लग रहा है देखकर सब सोए रहते हैं, रात भर पार्टियां होंगी, सब होंगी, क्योंकि बहुत सारे आरोपी या इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिनके पास पैसे है जेल में वो आराम शौकत से रह सकते हैं, सुपरिटेंडेंट को पैसे खिला दो अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं उनके लिए सब स्ट्रिक्ट रूल है, सब कुछ है। और आपने एक चीज़ और देखी उसमें, जो आरोपियों का जो पहनावा था, अरे बूट सूट बूट पहन के, स्पोर्ट्स शूज उसके अंदर, सॉक्स, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था वॉक पे जा रहे, कैप तक पहना था, मतलब वॉक पे जा रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, ऐसा नहीं था कि भाई जेल में सज़ा काट रहे हैं, एकदम टनाटन होके रह रहे हैं, मतलब ऐसा कहीं बॉडी लैंग्वेज देख के तो लगेगा कि नहीं कि कह दिए, ऐसा लग रहा है बाहर से आ रहे हैं, वॉक पे शॉर्ट्स पहन के, शूज़ पहन के, शूज़ के अंदर सॉक्स तक पहना है, एकदम बढ़िया स्पोर्ट्स शूज़ पहना है अच्छी कंपनी का, मतलब कोई भी वीडियो देख लेगा तो बोलेगा नहीं कि ये बाहर। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये साजिश तो नहीं है, क्योंकि अपराधी अगर मरता है तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए बड़ी आसान चीज़ हो जाती है, पुलिस के लिए, ये पुलिस के, ये आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पुलिस की नाकामी भी तो है कि जेल में इतना बड़ा कांड हो जा रहा है तो उनका नाम भी खराब होगा, और जिस तरह से जो सीसीटीवी सामने आया इससे तो और ज़्यादा नाम खराब होने वाला है, कि मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब अगर आरोपियों को जेल के अंदर भी किसी को मारना है तो ईजिली मार देंगे तुम यार, जेल के बाहर तो किसी की सुरक्षा कर नहीं पाते दिल्ली पुलिस या जो भी कह लो आप, और जेल के अंदर भी किसी को सिक्योरिटी नहीं दे पाती, तो दिल्ली पुलिस पर भरोसा करना, दिल्ली पुलिस बस एक चीज़ कर सकती है, अगर आप गद्दे लेके जा रहे हो बारिश में भीग रहे हो सोने के लिए तो आपको परेशान कर सकती है, जो वायलेंस का यूज़ नहीं करती है उन्हें दिल्ली पुलिस परेशान कर सकती है, आप इसका सीधा उदाहरण दे सकते हो जंतर मंतर पर, जो पहलवान कोई पर, हाँ, अगर कोई गद्दे गीले हैं तो गद्दे गीलों पर कोई कैसे सोएगा, उसके लिए तो कम से कम फोल्डिंग बेड बुला रहे हैं, तो इसमें आफत क्या है, क्या इससे दिल्ली की कानून और व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर फोल्डिंग बेड लगा के वो बैठ जाएंगे, पता नहीं। दिल्ली पुलिस हमेशा उन लोगों के सामने घुटने टेक देती है जो वायलेंस का वो करते हैं, अब ये क्रिमिनल्स अंदर मार दिए बिंदास दिन दहाड़े अंजाम दे दिया, इनके लिए कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन क्या करेगी, इनको अलग सेल में डाल देगी, उससे क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सेल से इनके कितने सेल चेंज होते रहते हैं, फिर ये किसी को मार देंगे, फिर ऐसे टाइम निकाल के, तो सिक्योरिटी के नाम पे जीरो जीरो, और तिहाड़ को अगर रैंकिंग दिया जाएगा सब जेल में से तो सबसे बेकार, हाईटेक की जगह सबसे बोले सबसे बेकार जेल कौन सी है, तो तिहाड़ आप कह सकते हो। चलिए वीडियो हम आपको इसकी नहीं दिखा सकते, लेकिन लिंक जो है वो हम नीचे कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करेंगे, आप वो ज़रूर देखिएगा, हमारी जो वेबसाइट है crimetak.in पर जाकर आप उसको स्टोरी को जो है पढ़ सकते हैं, सारी उसमें डिटेल लिखी गई है जो हमने यहाँ बताया है, डिटेल प्लस वीडियो भी उसमें एम्बेड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।